सरकार जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले को दबाने के लिए दो दिनों तक पीड़िता और उसकी मां को बंधक बनाकर समझौते का दबाव बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दुष्कर्म के आरोपित को जेल भेज दिया। मैं आपका कहाँ के रहने वाली हैं? क्या घटना हुआ, किस लिए थाने आई हैं आप? अच्छा, कितनी उम्र है बिटिया की आपकी? 10 साल। अच्छा, 10 साल की उम्र है। किसने किया है ये? कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के ही रहने वाले। तो कब की घटना है ये? परसों। तो आप थाने आ जाई हैं, घटना 3 दिन पहले की है, अभी तक क्यों नहीं आई थी? हमको कहीं कि यहां फैसला करा देंगे, वहां पे कौन कह रहा था? प्रधान। कौन है प्रधान? रजौरी। अच्छा, मतलब प्रधान कह रहे थे कि फैसला करवा देंगे आपको, वहां थाने मत जाओ, रोका जा रहा था आपको थाने जाने के लिए। थाना ऊंचाहार पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 10 वर्षीय पुत्री जो कि दिव्यांग है, उसके साथ एक गांव के ही 56 वर्षीय व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस संबंध में थाने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। लड़की को मेडिकल कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एप्लीकेशन में उन्होंने ये भी बताया कि गांव के कुछ लोग उनसे फैसले के लिए कह रहे थे, इस संबंध में भी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस प्रकार से विधिक कार्रवाई की जाएगी।